सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़ के लिए। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी डे टू डे लाइफ में हम काफी सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं जिसके बारे में हमने पिछले कुछ सालों में कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा या कभी सोचा भी नहीं होगा। पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफी बड़े और मेजर चेंजेस और बड़े इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। जैसे कि हमने कभी नहीं सोचा होगा कि एक लैंडलाइन फोन को हम कभी एक स्मार्टफोन के फॉर्म में यूज कर पाएंगे जिसके अंदर हमें टच की फंक्शनैलिटी भी मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और शेयर सेकंड एपिसोड में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ कि 2050 में टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, 2050 में टेक्नोलॉजी कैसी होगी और कैसे वो टेक्नोलॉजी हमारे डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स रॉकेट। स्मार्ट बैंड का
जब भी आप स्मार्ट बैंड को अपने हाथ पे बांधेंगे, अपने रिस्ट पे बांधेंगे, जो उसमें फोटोग्राफिक इमेज बन के आएगी, जिसके थ्रू आप उसे एक स्मार्टफोन की तरह ही ऑपरेट कर पाएंगे। आपको कोई भी स्मार्टफोन जिसके अंदर 4GB रैम है, एक बढ़िया प्रोसेसर होता है, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्मार्ट बैंड्स मिल जाते हैं जिसमें होलोग्राफिक इमेज आ जाती है और आप उनको नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह ऑपरेट कर पाएंगे। तो 2050 तक डेफिनेटली जितने भी स्मार्ट बैंड्स होते हैं ये मार्केट में आ जाएंगे और मोस्टली जितने भी लोग हैं वो स्मार्ट बैंड्स का ही इस्तेमाल करेंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। टेस्ला एक बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसके अंदर एक सेल्फ ड्राइविंग कार का इन्वेंशन किया गया था, जो कि एक विदाउट ड्राइवर के एक रोड पर ट्रैवल कर सकती है और सारी रेड लाइट्स और सारी जितने भी ट्रैफिक रूल्स होती है उनको फॉलो कर पाती है। पर इमेजिन कीजिए फ्यूचर में जितनी भी गाड़ियां हम यूज करते हैं, जितनी भी गाड़ियां आपको रोड पर देखने को मिलेगी, सारी की सारी सेल्फ ड्राइविंग कार हो जाएगी। आप कहीं भी आपको जाना है, कहीं से भी आप ऊबर या ओला बुक करते हैं और आपके घर पे कार आ जाती है जिसके अंदर कोई ड्राइवर ही नहीं है। तो जितनी भी गाड़ियां होंगी, जितने भी सेल्फ ड्राइविंग जितनी भी कार्स होंगी फ्यूचर में, वो GPS नेविगेशन के थ्रू ट्रैवल करेंगी और आपको अपने डेस्टिनेशन बिल्कुल पहुंचा देंगी। तो इसमें बहुत ही जोरों शोरों पे अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है और 2050 से डेफिनेटली आपको रोड्स पे जितनी भी गाड़ियां देखने को मिलेंगी वो सारी सेल्फ ड्राइविंग कार ही होंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगी होगी और फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकर आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से नीचे दिए गए लाइक के बटन को दबा दीजिए और जो यूजर हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो यूजर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपने कोई भी वैल्यूबल सजेशन या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन सजेशन डाल सकते हैं, मैं जितनी जल्दी हो सके उन पर रिप्लाई बैक करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके लिए फ्यूचर में इस तरह मेजर वीडियोस लाते रहूंगा और टेक्नोलॉजी की फील्ड में आपको एंटरटेन करता रहूंगा। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।